आज है अपने पास बोट का अवांते बार 1550 प्रो, अ 2.1 चैनल साउंड बार जिसकी टोटल आउटपुट है 160 वोल्ट। एंड यहाँ पे बोट ने मेंशन किया है रेज द बार, देखो जरा रेज करते ही क्या क्या निकल गया। क्या निकल गया से क्या मतलब, 2.1 चैनल सिस्टम है तो इस साउंड बार में 2.25 इंच के चार ड्राइवर दिए हैं, 4 ओम इंपीडेंस है और फ्रंट को मेटलिक ग्रिल से कवर किया है जिसकी लेफ्ट पर बोट की ब्रांडिंग, सेंटर में व्हाइट एलईडी डिस्प्ले जहां पे सारी फंक्शनलिटी दिखेगी, फ्रंट बॉटम पर एक स्ट्रेट ब्लू लाइट स्ट्रिप एंड लेफ्ट राइट एंड पर भी सर्कुलर रिंग्स ब्लू लाइट वाली, जिसके साथ इसके लुक्स और ज्यादा एक्सक्यूजिट हो रहे हैं, बोले तो क्लासी एंड ब्यूटीफुल। लेकिन अगर लाइट नहीं चाहिए तो लेफ्ट साइड पे फिजिकल कीज दी हुई है जिसमें लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी कुछ एसेंशियल फिजिकल कीज के साथ यूएसबी पोर्ट दिया है और कनेक्टिव के काफी सारे ऑप्शन है लाइक HDMI, ARC, AUX इनपोर्ट, ऑप्टिकल इनपोर्ट एंड दी लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3। एंड यहाँ पे सबवूफर आउटपोर्ट दिया है, दैट मींस वायर्ड सबवूफर है। बाकी मैश को छोड़ के ओवरऑल बिल्ड प्लास्टिक का है, पियानो ब्लैक फिनिश, लुक्स कूल। एंड यार सही में बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड चीज है, मजबूत भी, हिंदी इंग्लिश में एक ही मतलब चल रहा। इसके बाद इसका ये सबवूफर, ये तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये सब वूफर जैसा लगता ही नहीं है, क्या कर दिया फ्रंट पे। तो इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सही है, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, डिजाइन सही से नहीं दिख रहा, अब सही है। तो यहाँ पर भी काफी सारी लाइंस, पियानो एंड मैट फिनिश का कॉम्बो, बोट की ब्रांडिंग लुक्स को एकदम एस्थेटिक बना देता है। फ्रंट पे प्लास्टिक पैनल पेस्टेड है, बाकी ओवरऑल वुडन कैबिनेट है जिसमें 6.5 इंच का वूफर और एक रियर पर बड़ा बेस रिफ्लेक्स पोर्ट। एंड आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि बोट का साउंड सिग्नेचर एकदम अलग है, अच्छा देखेंगे। एट लास्ट इसके साथ एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट, ऑक्स केबल, बहुत सारा पेपर वर्क और माउंट के लिए स्क्रू। और देख के आधा है मैं भूल गया कि साउंड बार पर ऑलरेडी वोल्ट माउंट के लिए पॉइंट्स हैं, अलग से नहीं लगाने। और ये क्या निप्पो की एनर्जी, फ्री बैटरी, पास वाली दुकान पे नहीं जाना, सब है। और ये जो HDMI ARC अभी काम आएगा क्योंकि कनेक्ट करने वाले हैं, तो भी मेरे को देखना है कि बोट का साउंड सिग्नेचर में ऐसा अलग क्या है जो आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हो। वाइब है गाने में भी और साउंड बार भी, मतलब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। अब अनएक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि काफी सारे साउंड बार्स हमने ट्राई किए हैं और मैक्सिमम हायर प्राइसिंग पे थे, लेकिन कम प्राइसिंग पे इस टाइप की क्लैरिटी, बेस, सब कुछ बैलेंस होना वाइब है। बीच बीच में एड भी आते हैं, ये फुल सैंपल्स मैं आपको ड्राइव पे देने वाला हूँ, सुन लेना। एक और, वंस मोर। ओह भाई, वो फालतू वाली बेस नहीं है एक तरीके से, जिसको आर्टिफिशियल बेस बोलते हैं। एंड मैं वेबसाइट पे देख रहा था कि बोट ने मेंशन किया है कि इसका जो बेस है वो डीप है। एंड यार ये तो सही में डीप है, कोई डिस्टोर्शन नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड वन ऑफ द कूलेस्ट पार्ट कि इसके रिमोट पे ट्रेबल एंड बेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे चार प्रीसेट दिए हैं, म्यूजिक, मूवीज, न्यूज एंड 3D। मैंने चारों को ट्राई किया, 3D पर बेस्ट एक्सपीरियंस आता है। एंड 3D का मतलब ये नहीं कि 3D सराउंड साउंड देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड ऑडियो इसी प्रीसेट पे आती है। एक सैंपल सुनवाता हूँ, कुछ प्ले करते हैं जिसमें मैं चारों इक्वलाइजर को शिफ्ट करूंगा, आप खुद देखना। आते ही वाइब आ जाती है तगड़े वाली। बाकी अगर बेस ओवर लग रहा है तो अभी लेवल 6 है, इसको आप मिनिमम -12 पे ले जा सकते हो एंड मैक्सिमम अप टू 12, देखे कितना है, बहुत ज्यादा है। अभी हम 14x14 के रूम में बैठे हैं, यहाँ पे लेवल 6 बेस एंड लेवल 10 ट्रेबल मोर देन इनफ है। बाकी सबका अपना अपना ऑडियो टेस्ट होता है, तो आप ट्रेबल एंड बेस अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। बट हाँ, मल्टीपल EQ में सिर्फ और सिर्फ 3D बेस्ट है। और हाँ, अभी हमने HDMI ARC के थ्रू TV के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो एक मूवी का सैंपल हो जाए। शिवकामी की संतान जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, भाई अखंड महेश्वरी साम्राज्य का राजा धीराज, इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल देव चक्रवर्ती की। देखो यार, एक चीज तो माननी पड़ेगी, क्लैरिटी टॉप नोच है एंड डायलॉग्स में बहुत ज्यादा रिचनेस आ रही है, मतलब एकदम सूदिंग एक्सपीरियंस है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स के बीच सेपरेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगी, हालांकि अभी तो मुझे सुन रही है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं
है ना सेपरेशन। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शायद इस सैंपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि डायलॉग्स एंड म्यूजिक के बीच में जो सेपरेशन है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि साउंड बार्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेस इतना बैलेंस नहीं हो पाता और बेस ओवर पावर करके डायलॉग्स को दबा देता है, वो चीज इसके साथ नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली मैं तो यार 8499 की प्राइसिंग पे इस टाइप की क्वालिटी मिल रही है ये सोच के ऐसे हो रहा हूँ कि अगर किसी को 2.1 सिस्टम चाहिए तो भाई बेस्ट है, कम से कम में बेस्ट चीज मिल जाएगी। बाकी ये EARC भी सपोर्ट करता है, यानी कि टीवी के रिमोट से ही आप इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, इसके डेडिकेटेड रिमोट की जरूरत नहीं है। एंड वहीं से ऑन ऑफ हो जाता है, दैट मींस जब टीवी को आप ऑन करोगे तभी साउंड बार ऑन होगा और टीवी को ऑफ करते ही आपका साउंड बार भी ऑफ हो जाएगा वाया दिस रिमोट। अब एक बार ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल एंड साउंड बार को पेयर करते हैं, क्योंकि HDMI ARC पे हाई रिजोल्यूशन ऑडियो चलता है, ब्लूटूथ में इतना हाई रिजोल्यूशन वाला ऑडियो नहीं होता, नॉर्मली होता है, तो वहां देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनने वाले हो ब्लूटूथ पर ही, वैसे मैं सुनता हूँ आपका नहीं पता। आई डोंट नो कहना सही रहेगा या नहीं, मेरे पास काफी एक्सपेंसिव स्पीकर्स हैं एंड ये क्लोज टू एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा कि मैं दूसरे साउंड बार या स्पीकर पे सुन रहा हूँ, जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ वही सेम टाइप का एक्सपीरियंस मिल रहा है, अमेजिंग यार। अमेजिंग 10/10 ब्लूटूथ पे भी मतलब मस्त क्वालिटी आ रही है। और आपने अगर हेडफोन्स पे सारे साउंड सैंपल सुने हैं तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या चीज है। और बाकी इसके साथ एक साल की वारंटी भी आती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आपको परचेज लिंक दे रहा हूँ। एंड जो लोग OTT प्लेटफॉर्म के दीवाने हैं, बहुत ज्यादा शोज मूवीज म्यूजिक सब कुछ इंजॉय करते हैं, इवन न्यूज भी देखनी है, तो बेस को बिल्कुल जीरो पे ले जाके बैकग्राउंड म्यूजिक को खत्म कर सकते हो, बेस की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरे से बोल रहे थे कि यार 1550 प्रो का रिव्यू चाहिए, कर दिया, एंड मेरी तरफ से आपको हरी झंडी है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कौन सी नहीं है जिसको किया जाए। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग बोट अवांते बार 1550 प्रो। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।